अकबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहाँ भारत के विभिन्न हिस्सों में लजीज व्यंजनों की भरमार है। उसमें से एक है साउथ इंडियन फूड। लेकिन यदि आपने अब तक साउथ इंडियन की लाजवाब व्यंजन का स्वाद नहीं लिया, तो अब आपके शहर में साउथ इंडियन फूड फेस्टिवल में इन व्यंजनों को खाने का मौका मिल सकता है। जी हाँ, इन दोनों शहर के कैलाशपुरी स्थित होटल भावना क्लार्क्स इन में दक्षिण भारतीय खाद्य महोत्सव के मेज़बानी कर रहा है। होटल के जनरल मैनेजर गजेंद्र सिंह ने बताया कि ये फूड फेस्टिवल तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के बेहतरीन प्रमाणित भोजन का गवाह बनेगा। सभी प्रकार के डोसा, इडली, कुसुम्बड़ी, टोमेटो रसम, अरितीपुरी, कोबरी, चना पोंगल के साथ में बैकग्राउंड में साउथ इंडियन डेकोरेशन व संगीत पर मसालों की खुशबू और लजीज पकवानों का लुत्फ़ लेना चाहते हैं तो इस फेस्टिवल को ज्वाइन कर सकते हैं। होटल के सेल्स मैनेजर कौशल पाराशर ने बताया कि साउथ इंडियन फूड फेस्टिवल का आयोजन होटल में 15 दिनों तक चलेगा। मानसून का सीजन चल रहा है, तो इस बार हम लोग भावना क्लाक्सिन आप शहरवासियों के लिए लेके आए हैं साउथ इंडियन फूड फेस्टिवल अन्नादिगढ़। और जैसा कि नाम बता रहा है, वैसे तो आगरा में सभी ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसने साउथ इंडियन का टेस्ट ना लिया हो। डोसा और इडली बड़ा ही फेमस है, हम सबके घरों में लेडीज बनाती ही बढ़िया। लेकिन उससे आगे बढ़कर इस बार जो ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड है उसको हम लोग यहाँ कुजिन्स को यहाँ सर्व करेंगे। इसमें आपका पोंगल हो गया, रसम हो गई, टेढ़ी बड़ी हो गई और बाकी जो ऑथेंटिक जो यहाँ जनरली सर्विस में नहीं आती हैं, जो सिर्फ ऑथेंटिक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में ही मिलती है, उन फूडों को हम सर्व करेंगे। साथ में एक एम्बियंस देने की भी कोशिश की है साउथ इंडियन, जिससे कि लुक भी आ, लोगों को लगे साउथ इंडियन और लोगों के मनोरंजन के लिए भी हमने व्यवस्था की है। कब तक ये फेस्टिवल चलेगा? अभी तो हमने 15 दिन के लिए स्टार्ट किया, आज से लेकर 2 वीक्स के लिए चलेगा ये। लेकिन अगर जैसा अगर डिमांड रही तो हमारे ज़्यादातर शो जैसे जितने भी हमने फूड फेस्टिवल किए उनमें हमें एक्सटेंशन लेना पड़ा है, तो होपफुली हम इसमें भी एक्सटेंशन लाएंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।